हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि नवरात्रों के 9 दिन ऐसे कौन से 6 काम हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट काम है, आपने अलग अलग टाइमिंग पर पूजा नहीं करनी। यानी कि अगर आप सुबह 9 दिन की बात कर रहे हैं, सुबह अगर आप 8 बजे या 8:15 बजे पूजा कर रहे हैं, तो हर रोज आपने सेम टाइम पर ही पूजा करनी है। टाइमिंग को चेंज नहीं करना, यानी कभी 8, कभी 9, कभी 10 नहीं करने। सेम टाइम पर पूजा करने का एक अपना लाभ होता है, एक अपना मजा होता है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो है पवित्रता। आपने पवित्रता का खास ध्यान रखना है, यानी कि पूजा वाली जगह को हमेशा साफ और स्वच्छ जरूर रखना है। तीसरी चीज़ है कि उन दिनों चाहे आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं चाहे नहीं रख रहे, लेकिन आप घर में मांस मछली प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कीजिए। अगर आप रख रहे हैं तो सेंधा नमक का ही यूज़ कीजिए, दूसरे नमक का यूज़ भी नहीं कीजिए। आपने घर पे पवित्र कलश जरूर स्थापित करना है। पवित्र कलश के स्थापित करने का मतलब है कि माँ का घर पे आना है। पांचवी चीज़ है कि आपने वो 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और चाहे नहीं रखे। और छठवीं चीज़ ये है कि आपने जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी माता का पूजन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कीजिए, बहुत ज़ोर से नहीं कीजिए। आप एंड में आरती ज़रूर ज़ोर से कर सकते हैं, लेकिन जो भी मंत्रों का उच्चारण कीजिए वो बड़े ही धीमे और बहुत ही सहज मन से कीजिए। इन सब का मतलब यही होता है कि मन वचन और कर्म से हमें सात्विक होना है, स्वच्छ होना है। ये 6 कामों को जरूर याद रखिएगा नवरात्रि के दिनों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।